भगवान ही है, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। यद्यपि श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं राम एक तापस्तीय तारी किंतु नाम कोटि खलकुमति सुधारी। राम ने तो एक को तारा अहिल्या को, लेकिन राम नाम ने अनेकों को तार दिया। तो ऐसा भगवान का नाम, राम नाम में, प्रभु नाम में, हरि नाम में बहुत ताकत है। योगी नाम निरपनिरीनतम हरेर नामानुकीर्तनम, ऐसा सभी महापुरुषों का निर्णय होता है। तदुपरांत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं। ये पूरी सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण को मिलाकर के बनी है। तीनों गुण बराबरी में रहते हैं तभी सृष्टि चलती है। तमोगुण बढ़ जाए तो प्रलय आ जाएगी, सतोगुण भी बढ़ जाए तो भी प्रलय आ जाएगी। तो तीनों गुण साथ में चलने चाहिए। अच्छाई भी होती है तो बुराई भी धरती पर रहेगी ही रहेगी और आवश्यकता भी है तीनों गुणों की। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। इस सृष्टि के 29 तत्वों के द्वारा सृष्टि को रचना किया गया। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी नारायण भगवान की नाभि कमल से प्रकट होते हैं। नारायण भगवान का प्रागट्य होता है, श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज विदुर की कथा श्रवण कराते हैं। जो अद्भुत भक्त थे ये तो भगवान को याद करते ही करते थे, लेकिन भगवान भी इनको याद करते थे। उद्धव को जब ठाकुर जी जा रहे थे गोलोक धाम, तो उद्धव को कहा था कि विदुर आए तो उसको बोलना कि मैंने उसे याद किया। और जब कोई साधारण जगत का आदमी भी हमें याद करता है तो कितनी खुशी होती है कि कोई हमें आके बोल दे कि वो फलाना आदमी तुम्हें याद कर रहा था, तो बस खुश हो जाते हैं। 10 जगह बताते हैं, और जहां कोई संत याद कर ले, भगवान गुरु याद कर ले, मैं तो अपनी बताऊं, अगर कोई कभी आके मुझे बोलता है कि वो फलाने संत ऐसे कहीं बैठे थे, चर्चा चल रही थी और कुछ ऐसी बात चढ़ गई होगी कथा के बारे में, तो भाई कोई एक लड़की भी कथा करती है तो चिढ़ जाती होगी, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो याद, किसी ने याद किया। हमारे एक ब्रज में बरसाने में संत रहते हैं, बड़े महान संत हैं, श्री विनोद बाबा जी महाराज। कई बार मैंने का नाम भी लिया है और कई बार दर्शन देने एक बार आए भी थे कथा में। तो अभी या कथा में आने से पहले बरसाना श्री जी के दर्शन के लिए गए, तो बाबा महाराज के पास भी गए, तो उनके जो साथ में सेवादार थे तो वो बोले कि महाराज जी आपको याद करते रहते, और कोई आके अगर कोई आके बैठ जाता और आपकी चर्चा चल जाती है तो महाराज जी कहते अरे वो तो हमारे अपने ही हैं। तो बस जब ये बात कोई सुने तो आहा, संसारी याद कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है करे, लेकिन जब कोई संत महापुरुष, कोई गुरु भगवान याद करे, हम भगवान को याद करें ये मुक्ति है, भगवान हमें याद करे ये भक्ति है। हम तो रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, रोज हमने तो रटा हुआ है, जब भी जाते ठाकुर जी के सामने एक बार तो सुनाई देते, लेकिन कभी वो भी कहे कि हाँ ये मेरा है तो बात बने। भगवान विदुर के घर आए, भगवान को नियम पसंद नहीं, ये नियम
कब तक है? जब तक हम भक्ति की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचते तब तक सब नियम है। ये करो, ऐसे करो, इस अवस्था में पूजा मत करो, इस हाथ को स्पर्श मत करो, बहुत नियम है। इतने नियम है, वास्तविकता में जब आप ग्रंथ पढ़ते हो तब पता चलता है, अरे हम तो कितने अपराध कर रहे हैं। पूजा में तो अपराध करते हैं, संतों की सेवा में तो अपराध, हर जगह हम अपराध कर रहे हैं, इतने नियम है। लेकिन जब भक्ति अपने शिखर पर पहुंच जाती है तब नियम नहीं देखे जाते। नियम भगवान को पसंद है, प्रेमी के अंदर। और भगवान छोड़िए, हम साधारण जगत के लोग, कोई आके हमें सलामी मारे और उसकी जगह कोई हमें गले आकर के बड़े प्यार से गले से लगा ले, तो कौन सा ज्यादा प्रसन्न है? तो गले से लगा ले। हाँ, वो बात अलग है कि हम आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में सब खोते जा रहे हैं, ये अलग बात है। हमें लगता है कि ये सब तो दौड़ में भाग रहे हैं भौतिकता के, कहाँ जाके रुकेंगे भगवान जाने। और जिस दिन रुकेंगे उस दिन समझ आएगा हम कितना कुछ खो चुके हैं। अभी हमको गंगा यमुना नहाने में शर्म आती है, स्विमिंग पूल में नहाने में अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। हमें हमें किसी माता पिता के चरणों में सर झुकाने में शर्म आती है, नेताओं के चरणों में दिन भर पड़े रहो। हमें माता पिता की मृत्यु के बाद बाल कटाने में शर्म आती है, पर वो फिल्मों वाला उस लुक के लिए तो चोटी रखने के लिए बोलो ना, नहीं रखेंगे, पर डॉन वाले लुक के लिए तैयार है, कुछ भी करा लो। आज का युवान व्यक्ति बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, गाड़ियों में, इन सब चीजों में सुख देखता है और उसे कई हद तक मिलता भी है, लेकिन आनंद से वो वंचित रह जाता है। एक बड़ी सुंदर कविता है, सुनाऊं आप लोगों को? टाइम है ना? 21वीं सदी में क्या होगा, क्या क्या चीज तुम्हें मिलेगी नहीं। बड़ी सुंदर कविता है, बहुत पहले मैंने कोई सुनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वैसे, कि आदमी क्या खोता जा रहा है। बोले, बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में शावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। फिर आंखों में पानी, दादी की कहानी, नल नल में जल, प्यार के दो पल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज में फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, शादी में शहनाई, मंच पर कविताई, सच में सच्चाई, गरीबों की खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओ। गाता हुआ गांव, आजकल के बच्चों को पूछा ना गांव कैसा आता, तो उनको लगता है कि पता नहीं कहां जंगल में आ गए। गांव में उनको ले जाओ तो भैंस गाय को तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई सातवां अजूबा हो, खुश होकर के, हमने देखो काऊ देखी, हमने काऊ का मिल्क पिया, चारे देखते नहीं कभी तो उनके लिए तो। गाता हुआ गांव, पनघट की छांव, किसानों का हल, मेहनत का फल, मेहमान की आस, छाछ का गिलास, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट,
लज्जा से थरथराते होठ ढूंढते रह जाओगे। और अंत में एक और बात ये है, अंत में कहता है आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, कल में आज संगीत में रियाज, ये भी ढूंढते रह जाओगे। तो कल में आज भरा पूरा परिवार, कल में आज संगीत में रियाज, सड़क किनारे प्याऊ संबोधन में ताऊ, 2 रुपए उधार और नेता ईमानदार, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। अब भी नहीं संभले समय है प्रेम को, आजकल हमने सभ्यता के कारण अपनी सहजता को खो दिया, लेकिन भगवान के सामने ये सब चीज चलती नहीं, प्रभु तो शुद्धता देखते हैं, प्रेम देखते हैं। यही कारण था कि भगवान विदुर के घर जाते हैं, विदुरानी के पास भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी विदुर महाराज की कथा श्रवण कराते हैं। तदुपरांत सृष्टि आगे कैसे बढ़ी हम सब संक्षेप में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कथा ज्यादा शेष है, ट्रेन की तरह भागना पड़ेगा तब जाके आगे तक पहुंचेगी, क्योंकि कल कृष्ण जन्म तक जाना ही जाना है। तो इसलिए संक्षेप में सृष्टि प्रकरण हम श्रवण करते हैं। सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए मनु महाराज और देवी सतरूपा महारानी, इनके द्वारा पूरी सृष्टि आगे बढ़ती है। मनु महाराज की 3 कन्याएं होती हैं, आकुति देहूति प्रसूति। 2 पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। यज्ञ और दक्षिणा, एक बेटा एक बेटी है। देहूति का विवाह करदम जी के साथ होता है। 9 कन्याएं हैं और 1 पुत्र है स्वयं श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान और मां देहूति का बड़ा सुंदर संवाद है, जिसको हम अभी प्रणाम करके आगे चलेंगे। किसी और कथा में अवसर मिला तो देहूति संवाद को और विस्तार करेंगे। तो आकुति, देहूति और तीसरी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनको 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 1 थी मां सती, जिनका श्री भोलेनाथ जी के साथ विवाह हुआ था। तो 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी है सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का बेटा है उत्तम, सुनीति का बेटा है भक्त शिरोमणि, श्री हरि के परम भक्त श्री ध्रुव महाराज। मासी सुरुचि ने कुछ अपशब्द बोले, कुछ कहा, क्योंकि जन्म लेने के 2 साल बाद ही जीव बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना तो 2 साल में ही सीख लेता है, क्या बोलना, क्योंकि इस जिह्वा को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। सर्वम जितम जिते रसे, शास्त्रों का वाक्य। सुरुचि का पतन होता है क्योंकि बहुत बड़ा भक्तापराध किया है, ध्रुव को अपमान किया। याद रखिएगा, भगवान आपको किसी भी पाप से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त का अपराध भगवान चाहे भी तो नष्ट नहीं कर सकते। महाराज अम्बरीश का अपमान किया दुर्वासा ऋषि ने, भगवान ने क्षमा नहीं किया, वापस अम्बरीश के पास जाओ, वो क्षमा करेंगे तो मैं क्षमा करता हूं। आप लोग देखते हो हम बहुत भजन करते हैं, बहुत माला करते हैं, पूजा करते हैं, वो भजन दिखता क्यों नहीं है, वो जीवन में झलकता क्यों नहीं है वो भजन,
क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत भक्तों का अपराध करते हैं। ये भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है किसी वैष्णव का अपमान करना। किसी कुछ लोग कहते हैं अरे वो फलाना संत है, वो संत नहीं है, उसने तो सिर्फ कपड़े ही बदले, लाल सफेद पीले कपड़े पहने हैं, वो अंदर से संत नहीं। कोई बात नहीं, तुम उसके उसके स्वरूप का सम्मान करो, उसका मत करो लेकिन उसके स्वरूप का करो। क्योंकि अगर तुमने गलती से भी उस संत को कुछ उल्टा बोल दिया, तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्तापराध से भक्त को हर एक क्षण बच के रहना पड़ता है। तो सुरुचि का पतन होता है, उत्तम ध्रुव के बेटे होते हैं, उत्तम का बेटा है अंग का बेटा है वेन, जो कि अधर्म को बढ़ावा देने लगा, पाप करने लगा, संतों ने मिलकर के उसको शाप से मार दिया। शरीर का मंथन हुआ, प्रथु महाराज अर्ची महारानी प्रकट हुए, इसी वंश में राजा प्राचीन बलि हुए जो कि यज्ञ करते थे और हर एक यज्ञ में एक पशु की बलि चढ़ाते थे। नारद जी आए, नारद जी ने प्राचीन बलि को कहा हे राजन, मैंने बहुत पापी देखे लेकिन तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं देखा। अरे महाराज कैसा पापी, मैं तो कितना यज्ञ करता हूं, देखो पूरी दुनिया मैंने यज्ञ कुंडों से भर दी। राजन यज्ञ तो करते हो लेकिन कितने निर्दोष पशुओं को तुम मारते हो, तुमने कभी सोचा बलि के नाम पर? किसी जीव को दुख दे करके क्या तुम कभी खुश हो सकते हो? कई बार जब कुछ जैसे कभी विदेश जाओ तो बहुत सारे यंगस्टर आते हैं, अलग से क्लासेस होती है, तो मैं उनसे पूछती हूँ पशु बलि का विरोध कौन कौन करता, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, हम पशु बलि का विरोध करते। वो पशु बलि का विरोध करते लेकिन उनसे पूछो तुम में से वेजिटेरियन लोग कितने, तो एक एक दो आदमी मुश्किल से खड़ा होता। काहे की पशु बलि का विरोध करते हो तुम, तो अपने पेटों में पशुओं की बलि छोड़ते हो। बात तो वही हुई, मार मार के। तो फिर तो एक गीत और चला दिया, संडे हो या मंडे रोज खाओ और फिर ऊपर जाके खाओ डंडे, यहां नहीं सुधरोगे तो वहां सुधारे जाएंगे, कहीं तो सुधरना पड़ेगा, प्यार से सुधरो या धमकी से। एक बड़ी सुंदर कहावत है, छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें बाल होता है, वो बाल निकल आए ना तो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। उसको मारने में तो कोई तुम्हें दोष नहीं लगता, कोई दया नहीं आती। एक बार पानी में मछली का बच्चा अपनी माँ से मछली से पूछ रहा था, माँ हम लोग पानी में रहते हैं, ये सब लोग जमीन पर रहते हैं, हम जमीन पर क्यों नहीं रहते, हम पानी में क्यों रहते हैं? उसकी माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उसने कहा बेटा हम पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम फिश हैं, फिश मछली को अंग्रेजी में, हम पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम फिश हैं, क्योंकि बेटा धरती पर तो सेल्फिश रहते हैं, पानी में फिश रहती है लेकिन धरती पर सेल्फिश रहते हैं, सब स्वार्थी रहते हैं, अपने क्षणिक स्वाद के लिए किसी को मारने में एक एक क्षण में नहीं सोचते, एक बार नहीं सोचते। और फिर दुहाई और देते, वो दो चार हमारे पंडित जी एक दिन चर्चा कर रहे थे,
वेदों में लिखा है कि बलि चढ़ाओ या फिर वो मांस, एक वेद में एक जगह आता है प्रथम कुमारी का मासम आनेय। एक संत कह रहा है राजकुमार को, एक व्यक्ति को, उसको कोई बीमारी है, तो बोले तुम्हारे इलाज के लिए किसी राजकुमारी का मांस लाओ। इसका सीधा अर्थ तो ये लगाया जाएगा, मांस मतलब मांस। लेकिन अब इसी के हमारे श्री माध्वाचार्य जी कहते हैं वेद के एक श्लोक के 3 अर्थ होते हैं, महाभारत के एक श्लोक के 10 अर्थ होते हैं, और पुराणों के भागवत वारा पुराण ये सब जो 18 पुराण है, इन पुराणों के एक एक मंत्र एक एक श्लोक के 100 अर्थ होते हैं। अब बताओ तुम कहां तक अर्थ लगाओगे। मांस संस्कृत में जो अलोबिया होता है हिंदी में जिसको ग्वार पाठा बोलते हैं, उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको भी मांस बोलते हैं। तो औषधि के लिए उस मांस को लाया गया, लेकिन जिनको बुद्धि ने उन्होंने लगा दिया कि वेदों में मांस के लिए कहा गया। मांस उड़द की दाल को भी बोलते हैं, उसको भी तुम मांस समझ के उसको भी भक्षण करो। तो ये जो हम सब लोग अपने बचाव के लिए जो ग्रंथों में से टुकड़े टुकड़े छांटते, ये हमारी बुद्धि की कमी। कोई ग्रंथ किसी भी चीज, और अगर बलि का भी अगर शास्त्रों में कहा गया उसका कारण क्या है, बोले पहले कुछ समय में बलि प्रथा बहुत बढ़ गई थी, रोज बलि। तो हमारे संत महापुरुषों ने उस बलि को रोकने के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया, लेकिन लोगों ने उसको उल्टा समझ लिया कि संतों ने कहा है इस दिन बलि देनी चाहिए। कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, वो बहुत सिगरेट पीता है, अब गुरु उसको बोलता है बेटा सिगरेट छोड़, वो कहता है नहीं महाराज बड़ी मुश्किल है नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है तुझे छूट देता हूँ, रविवार को तू पी लिया कर। नहीं छोड़ सकता, चल एक दिन देता हूँ रविवार को पी लिया कर। अब वो शिष्य जाके सब जगह घोषणा कर देता, गुरु जी ने कहा रविवार के दिन बीड़ी सिगरेट पीनी चाहिए, अर्थ का पूरा अनर्थ कर डाला। अब इसका तुम क्या करोगे, कहां से इसके लिए बुद्धि लाओगे। तो बलि के लिए भी खुद बुद्ध भगवान आए, अवतार लिया, वेदों का क्यों उन्होंने अनादर किया, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी। आज के समय में अगर बुद्ध भी आए तो वो नहीं कहेंगे कि वेदों को मत मान, लेकिन उस समय की आवश्यकता थी, इसलिए बुद्ध ने वेदों को नकारा। पशु हत्या और उसमें भी भारत देश के अभाग गौ हत्या। आजकल का नौजवान कहता है कि चलो जो रेगुलर मांस भक्षण तो करते ही करते हैं, चलो एक बार गौ का मांस भी टेस्ट करके देखें, क्या दिशा होगी इन लोगों की। कल हमारे बीच में श्री देशी गोपाल मणि जी आए थे, तो जो लोग नहीं आए या जो लोग आस्था पे उस समय नहीं सुन पाए, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि गौ रक्षा के लिए जो 2 नवंबर को आप सबके ही जयपुर में जो कोई अमरूदों वाला बाग है, आप सब जानते ही होंगे, तो उस बाग में 2 नवंबर को एक बड़ी भारी रैली होने वाली है गौ रक्षा के लिए। हर एक व्यक्ति जो जानता है कि उस तारीख को कार्यक्रम है, तुम्हारे जो काम है, जो तुम्हारे और संसारिक काम है, सब कुछ छोड़ करके वहां अवश्य आप जाइएगा। गौ रक्षा के लिए इतनी भूमिका तो हम निभा ही सकते हैं। आज भारत के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि भारत के अंदर एक दिन में 3,56,000 पशुओं को मारा जाता है, जिनमें सबसे अधिक है गौ माता, गौवंश।
बड़े बड़े हैदराबाद का अल कबीर हुआ, बंबई का देवनार कत्लखाना हुआ, दिल्ली का हुआ, कितनी गौ माताओं को रोज मार दिया जाता है। आपको एक एक श्लोक बताती हूँ, बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, विद्वते गौस संपन्नम विद्यते ब्रह्मने तपः विद्यते स्त्री सुचापल्यम विद्यते ज्ञायतितो भयम्। जहां गाय है वहां संपदा है। कौन से विद्वान ने कहा है? श्री श्री 1008 श्री रावण महाराज। सचमुच वास्तविकता में ये रावण के शब्द है। रावण इस बात को कह रहा है, जहां गाय है वहां संपन्नता है। रावण जैसा व्यक्ति इस बात को जानता है, गाय की महिमा को। क्या हम सब रावण से भी गए गुजरे हैं, जो गौ माता के ऊपर 120 डिग्री उबलता हुआ पानी उसको कत्लखाने में जाके डाल देते? क्या हम रावण से भी गए गुजरे हैं कि हम गौ माता की स्किन का, लेदर का इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हैं? आज जरूर वो गौ माता भी कहीं ना कहीं ठाकुर को पुकारती होगी, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का स्वरूप है। जब जब भी पृथ्वी आई है भगवान के पास, गौ माता का रूप लेके आई है। और एक गौ हत्या मतलब संपूर्ण पृथ्वी, पूरे विश्व की हत्या। जब तक ये गौ हत्या नहीं रुकेगी, कैसे रोके? गौशाला बने, गौ हॉस्पिटल बने, वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन जब तक भारत का एक आम नागरिक गौ माता की सेवा शुरू नहीं करेगा अपने घरों में, तो गौ रक्षा नहीं हो सकती। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे जिसके घर में गौ माता है? बातें तो बहुत होती रहेंगी, हाथ उठा के एक बार बताइए। अच्छा, और बाकी सब मोटर कार वाले हैं, कार हाउस है लेकिन काउ हाउस नहीं, बड़े बड़े महल है लेकिन एक गौ माता नहीं, कैसे रक्षा होगी? आप विचार करके देखो। हम सब हजारों रुपए बर्थडे पार्टी में, शादियों में, एक 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 फिल्म देखने के लिए हम करोड़ों करोड़ों रुपए भारत देश खर्च कर रहा है, लेकिन एक गौ माता रखने में आदमी 100 बार सोचता है। ध्यान रखिएगा, हम जो जयकारा लगाते गौ माता की जय, गौ माता को जयकारे से ज्यादा आज के समय में चारा चाहिए।